केमिकल पिलिंग क्या करें और क्या ना करें। चेहरे पर ग्लो के लिए केमिकल पिलिंग आपके सवाल का जवाब हो सकता है। यदि आपको केमिकल पिलिंग करवाना है या केमिकल पिलिंग करवाया है तो इन बातों का ख्याल रखें। केमिकल पिलिंग उपचार के लिए क्या करें। अपने चेहरे के अनुसार सही केमिकल पिलिंग चुनने के लिए अपने चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह मानें। केमिकल पिलिंग करवाने से पहले अपने चर्म रोग विशेषज्ञ को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप नियमित रूप से या पिछले 6 महीनों से उपयोग में ले रहे हैं। यदि आपको किसी दवा से एलर्जी है या त्वचा की कोई ऐसी परिस्थिति जैसे किसी दवा के प्रति संवेदनशीलता या मुंह के छाले जैसी समस्या हो तो अपने चर्म रोग विशेषज्ञ को जरूर बताएं। चर्म रोग विशेषज्ञ द्वारा दिन एवं रात को लगाने वाली दवाओं के बारे में दी गई सलाह का अनुसरण करें। केमिकल पिलिंग के बाद धूप के प्रति आपकी त्वचा अति संवेदनशील होती है, पूरी तरह से धूप से बचने की कोशिश करें। खासकर उपचार के तुरंत बाद कुछ दिनों के लिए अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए जब भी आप घर से बाहर जाएं, तब ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने वाले सनस्क्रीन का प्रयोग करें। किसी भी दवा के प्रयोग से यदि आपकी त्वचा में जलन या परेशानी हो तो उसका उपयोग तुरंत बंद कर दें और अपने चर्म रोग विशेषज्ञ को इस बारे में जानकारी दें। अच्छे परिणाम के लिए चर्म रोग विशेषज्ञ द्वारा उपचार से पहले एवं उपचार के बाद के लिए बताई गई सलाह का अनुसरण करें। केमिकल पिलिंग उपचार के लिए क्या ना करें। केमिकल पिलिंग उपचार को स्वयं घर पर चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह के बिना ना करें। ब्यूटी पार्लर या सलून जैसे किसी भी अनजान एवं अविशेषज्ञ से उपचार लेने से बचें। यदि उपचार किसी विशेषज्ञ के निर्देशानुसार नहीं किया जाता है तो आपकी त्वचा को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। यह उपचार केवल प्रशिक्षित एवं प्रमाणित चर्म रोग विशेषज्ञ के निर्देशों एवं पूर्ण अवलोकन में बहुत सुरक्षित तरीके से किया जाना चाहिए। यदि आपकी त्वचा धूप से झुलसी हुई, कटी या फटी हो तो केमिकल पिलिंग नहीं करवाएं। 1 हफ्ते पहले एवं बाद में अपने त्वचा पर किसी भी प्रकार का वैक्स या हेयर रिमूवल ना करवाएं। उपचार के बाद अपनी त्वचा को धूप एवं ज्यादा प्रदूषण के सीधे संपर्क में ना आने दें। केमिकल पिलिंग के बाद आपकी त्वचा नाजुक हो जाती है, अतः अपनी त्वचा की विशेष देखभाल करें एवं अपनी त्वचा को निकालने के लिए किसी भी क्लींजर या अन्य चीजों का इस्तेमाल ना करें। उपचार के बाद निकलने वाली त्वचा को खींचना या निकालना आपको अच्छा लग सकता है, मगर ऐसा करना आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं होने देता, बल्कि यह और ज्यादा एलर्जी एवं त्वचा का कालापन बढ़ा देता है। अतः अपनी निकलने वाली त्वचा को छूने या खींचने से बचें। यदि आपको अपनी त्वचा या बालों की देखभाल के बारे में कोई भी प्रश्न या परेशानी है तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट दर्ज करवाएं।